जयपुर के तेलीबांधा क्षेत्र के मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराई है कि होली के दिन बजरंग दल समर्थित 100 से 150 लोगों की भीड़ ने जुलूस निकालकर तेलीबांधा स्थित मदीना मस्जिद के सामने मुस्लिम समाज के विरोध में अपशब्द कहे, साथ ही पथराव भी किया, जिसमें मुस्लिम समाज के कुछ लोग घायल भी हुए। वहीं समाज के लोगों का कहना है कि एडीएम के अनुमति के बाद इस तरह का जुलूस निकाला गया था, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में सामाजिक तौर पर उपद्रव मचाए जाने की षड्यंत्र भी है। समाज के लोगों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से एडीएम और दंगा फैलाने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई करने को लेकर मांग की है। साथ ही कार्रवाई नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट जाने और जेल भरो आंदोलन तक करने की चेतावनी दी है। आपके होली के त्यौहार के एक दिन पहले हमारे यहाँ पे मस्जिद में नमाज़ हो रही थी, और उस दिन हमारे यहाँ के शहर के एडीएम साहब ने एक व्यक्ति विशेष, मतलब बोला जी कि एक धर्म को, लोगों को, उनको परमिशन दी कि आप जुलूस निकालिए, जबकि आचार संहिता में जुलूस निकालने की परमिशन का फैक्ट ही नहीं बनता है। और उसके बावजूद उन्होंने जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद में हमारी मस्जिद के पास में आ करके खड़े होकर के हमको भद्दी भद्दी गालियाँ देना, हम पर पथराव करना, हमको काटने और मारने की बात करना, और उनका एक नारा लगाना कि सर पे टोपी, हाथ पे कुरान, आतंकवादी की यही पहचान। क्या अब छत्तीसगढ़ में अभी तक के कोई आतंकवादी नहीं था? और जब से ये प्रवासी भारतीय लोग यहाँ पे आ करके अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम लोकल छत्तीसगढ़िया हैं, लोकल छत्तीसगढ़िया ने तो कभी आज तक हमसे लड़ाई नहीं करी, लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारे धर्म विशेष के प्रति जिस तरीके की भावनाएँ फैलाई जा रही हैं दूसरी जगहों से, अभी तक के हमारे प्रदेश में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। और हम चाहते हैं और दुआ करते हैं कि आगे भी कोई चीज़ ना हो। अगर मान लीजिए उस वक्त में अन्यथा कोई भी गलत घटना हो जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? आप हमारे घरों पे बुलडोज़र चला देते, और वो अपराधी इतना अपराध करने के बावजूद भी आज खुलेआम घूम रहे, और थाने का कोई भी आदमी या प्रशासन का कोई भी आदमी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। आज हम लोग निर्वाचन आयोग आए हुए हैं, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव खड़ा है सर पर और आचार संहिता लगी हुई है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या एडीएम साहब निर्वाचन आयोग से बढ़ के हैं? क्या वो अपराधी, क्या नाम है उनका, रवि वाधवानी और आशीष तांडी, ये क्या निर्वाचन आयोग से बढ़ के हैं? एक तो सबसे पहली बात, एडीएम साहब को ऐसे परमिशन इस वक्त देना ही नहीं था। इस समय जुलूस निकालने का कोई परमिशन ही नहीं था। वो लोग तेलीबांधा में निकले, तेलीबांधा से निकलते मस्जिद में पथराव किए, फिर जस्थम चौक में आके किसी समाज के नाम पर वो लोगों ने गाली देने लगे और समाज को मारने की बात करें। देखिए, ये भाईचारे का देश है, भारत देश है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये नारा था।